हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स ए 3.7 एंड बी 6.5। शो दैट द कॉर्ड्स इन विच द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कट्स द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ द कंकरेंट एट अ पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट तो हम यहाँ पे इसमें तीन चार पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एक्स टू कॉमा वाई टू इज गिवन बाई, क्या होती है, इज गिवन बाई की होती है एक्स माइनस एक्स वन इंटू बाई माइनस सॉरी ये एक्स माइनस एक्स टू प्लस बाई माइनस वाई वन इंटू बाई माइनस वाई टू प्लस लैम्डा। ये डिटरमिनेंट आता है एक्स बाई वन एक्स वन बाई वन वन एक्स टू बाई टू वन। तो ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है इसके लिए, सेकंड पॉइंट हम समझेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स एस वन एंड एस टू। दो सर्कल्स है एस वन एंड एस टू। ये होता है एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो। और इसके अलावा नंबर थ्री क्या हो जाएगा, इफ सर्कल इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स एस वन एंड एस टू गिवन बाई क्या होता है ये। तो इसे हम लिखते हैं एस वन प्लस लेमडा एस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गए तीन पॉइंट की कंसेप्ट की। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, फैमिली ऑफ सर्कल्स है जो कि 2.3.7 और 6.5 से पास हो रही है। तो हम इसमें पहला वाला जो की कंसेप्ट का पॉइंट है वो यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिखते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएगा, किस किस पॉइंट से पास हो रही है, एक 3.7 से दूसरा 6.5 से। तो हम इसे एक्स वन बाई वन और इसे एक्स टू बाई टू। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स माइनस एक्स वन यानी कि एक्स माइनस थ्री, फिर एक्स माइनस एक्स टू यानी कि एक्स माइनस सिक्स प्लस फिर बाई माइनस बाई वन तो बाई माइनस सेवन फिर बाई माइनस बाई टू यानी कि बाई माइनस फाइव प्लस लेमडा। और यहाँ हम डिटरमिनेंट लिखते हैं तो एक्स वन बाई वन तो 3, 7, 1 फिर 6, 5, 1। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 प्लस यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 12y और प्लस 35। अब हमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले x, फिर तो x के साथ क्या आएगा 7 माइनस 5, y के साथ क्या आएगा 3 माइनस 6 और 1 के साथ क्या आएगा 15, यहाँ से 15 माइनस 42। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x के साथ आएगा 7 माइनस 5 और माइनस y, यहाँ आएगा 3 माइनस 6 प्लस 1 यहाँ आएगा 15 माइनस 42 इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर लिख देते हैं धरी प्लस बाई स्क्वायर, ये यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर फिर 9x फिर माइनस 12y और 18 प्लस 35 ये कितना हो जाएगा 53।
और यहाँ से लेमडा ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारा एस वन हो जाएगा, ये हमारी पहली सर्कल की इक्वेशन आ गई, ये एस वन हो गया। अब हमें यहाँ पे दूसरा क्या दे रखा है, दूसरी हमें एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और हमें यहाँ से शो क्या करना है, और यहाँ पर जो हमारी कॉर्ड होगी वो कॉमन होगी दोनों में, तो यहाँ से एस वन तो वो था एस टू ये हो जाएगा। तो हम कॉमन कोड के लिए क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये है दो जब सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए जब कोई लाइन जाती है तो दोनों सर्कल के लिए वो लाइन कॉमन कोड होती है, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये हो जाएगा एस टू, हमें क्वेश्चन में गिवन है एस टू क्या था, ये एस वन था और ये एस टू है। एस टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं यहाँ पर। तो फॉर कॉमन कोड, फॉर कॉमन कोड तो यहाँ पे लिख सकते हैं एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू 0। अगर हम ये करेंगे तो यहाँ से हमारे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे माइनस का 9x माइनस का 12y और प्लस 53। और ये यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे ये तो प्लस का लैम्डा है, ये प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y माइनस 27। यहाँ माइनस का माइनस, यहाँ पे माइनस का भी साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x प्लस का 4x प्लस का 6y और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 ये हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा माइनस का 5x माइनस का 6y प्लस 56 एक ब्रैकेट में, और जो लैम्डा के साथ कॉमन आएंगे 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी दो इक्वेशन आ रही है नाइन की। तो अब हमें यहाँ पे इन दोनों नाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली क्या है लाइन, पहली लाइन को हम लिख सकते हैं माइनस का 5x माइनस का 6y प्लस 56 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 ये है। तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी, माइनस का 5x माइनस 6y प्लस 56 इज इक्वल टू 0। नीचे वाली इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y और ये माइनस का 54 इज इक्वल टू 0। तो अब हम ये इसको ऐड करेंगे तो इस माइनस 6y प्लस का 6y कैंसिल हो जाएगा, और कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस x और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ गई। तो हम इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे इसको नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस वाली में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x यहाँ पे 2 इंटू 2 4 प्लस 3y और इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 23, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 23 अपॉन 3। तो यहाँ से हमारे x और y क्या आ गए हैं, ये आ गए हैं 2, 23 अपॉन 3। तो यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।